श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म को अपनाने वाली दुनिया के जो टॉप हस्तियां हैं, टॉप 5 हस्तियों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू और हिंदू राष्ट्र जैसी बहसों के बीच शायद आपको पता नहीं होगा कि दुनिया भर में हमारी तरह करोड़ों हिंदू फैले हुए हैं। इनमें से कुछ दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे धर्म को अपनाया है। हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं का वो लोग पालन करते हैं। मशहूर हिंदुओं के इस लिस्ट में कई जाने माने हॉलीवुड के कलाकार, संगीतकारों से लेकर दुनिया के टॉप खिलाड़ी और स्कॉलर्स के नाम शामिल हैं। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ 5 बता रहा हूँ। वैसे ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाले इन सेलिब्रिटीज की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम फेमस वालों के नाम बता रहे हैं। जैसे जूलिया रॉबर्ट्स हैं, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हॉलीवुड की टॉप हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स ने 2010 में खुलासा किया था कि उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, मतलब हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, और वो पूरी तरह से हिंदू धर्म परंपराओं का पालन करती है। हर साल वो अपने घर में होली, दिवाली जैसे त्योहारें भी मनाती हैं। जूलिया रॉबर्ट्स के घर में नवरात्र के मौके पर बाकायदा कलश की स्थापना की जाती है और पहले और आखिरी दिन व्रत भी रखती है। एक बार इंटरव्यू में जूलिया ने बताया था कि मुझे बचपन से ही हिंदू धर्म अपनी तरफ खींचता था, मेरे आसपास कोई हिंदू नहीं था, लेकिन अपने अंदर की प्रेरणा से मैंने हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों और देवी देवताओं का अध्ययन किया और पाया कि मैं तो होश संभालने के साथ ही हिंदू थी। हॉलीवुड की हीरोइन होते हुए भी जूलिया एक योगी जैसा जीवन जीती है। लगभग सभी योगासन वो करना जानती है। 2009 में उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हरियाणा के एक आश्रम में आने का मौका मिला। वहीं पर उन्होंने औपचारिक तौर पर हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली थी। जूलिया ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम रेड ओम्स फिल्म्स रखा है। आम जिंदगी में वो हिंदू महिलाओं की तरह माथे पर बिंदी लगाती है। उनको 2 बेटे और 1 बेटी। उन्हें भारत लाकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाया था। दूसरे एक्टर हैं रसल ब्रांड, एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं। ब्रिटिश हीरो रसल ब्रांड हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। वह अमेरिका और ब्रिटेन में इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। पहले उन्हें ड्रग्स की लत थी। सनातन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने मेडिटेशन के दम पर यह बुरी आदत छोड़ी। रसल ने 23 अक्टूबर 2010 को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मशहूर सिंगर केटी पेरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। रसल ब्रांड का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कब हिंदू धर्म को अपना लिया। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हिंदू धर्म इंसान की आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरे धर्म व्यक्ति को सांसारिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करती है। रसल ब्रांड 14 साल की उम्र से शाकाहारी हो गए थे और वो आज भी रोज घंटों ध्यान लगाते और मंदिरों में भगवान कृष्ण की भजन करते हैं। फिर MIA, मशहूर रैपर कंपोजर। हॉलीवुड MIA के नाम से मशहूर टॉप रैपर मातंगी माया अरुल प्रागशम वास्तव में श्रीलंकाई मूल की तमिल है। हॉलीवुड की चमक तमक वाले दुनिया में इकलौते स्टार हैं जो भगवा कपड़ों में किसी साध्वी की तरह रहना पसंद करती है। वो अपने गानों में भी हिंदू धर्म से जुड़े शब्दों और दर्शन का इस्तेमाल करती है। MIA ने अपने नाम के आगे मातंगी खुद ही जोड़ा था। ये एक योग मुद्रा होती है। इसके अलावा माँ दुर्गा के नामों में एक मातंगी भी है। 2012 में उन्होंने पहली बार भारत में आकर भी परफॉर्म किया। चौथी हैं या चौथा है रिकी विलियम्स। ये अमेरिकी फुटबॉलर है। मशहूर अमेरिकी फुटबॉलर रिकी विलियम्स ने भी हिंदू होने का दावा किया है। उनके कई दोस्तों ने इस बात की पुष्टि भी की, हालांकि खुद रिकी विलियम्स ने इस बारे में अभी तक कुछ भी खुल के नहीं बोला है। रिकी विलियम्स योग और ध्यान करते हैं और इसके जरिए ही उन्हें इनकी इनकी उनकी जो हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में भी रुचि पैदा हुई।
अमेरिका में हिंदू समुदाय के नेता राजन चेद ने 2010 में बयान जारी करके उनका हिंदू सनातन धर्म में स्वागत किया था। 33 साल की उम्र में वो भारत आए थे और इसी दौरान उनका हिंदू अध्यात्म से पहला परिचय हुआ था। उसके बाद है क्लॉडिया सिस्ली, जर्मन सुपर मॉडल, ये सिंगर भी है। इंटरनेशनल फैशन मॉडल क्लॉडिया सिस्ली 2009 में बिग बॉस सीजन 3 में हिस्सा लेने भारत आई। तब उन्हें भारत में कम लोग ही जानते थे। ये वो वक्त था जब वो अमेरिका में रहते हुए पूरी तरह से हिंदू धर्म के रंग में डूब चुकी थी। 1987 में पोलैंड में जन्मी क्लॉडिया अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की एक प्रतिमा रखती है। खुद क्लॉडिया ने मीडिया से बातचीत में माना था कि सहनशीलता और शांति जैसे खूबियों के कारण उनका झुकाव हमेशा से हिंदू धर्म की तरफ रहा है। भारत आने के बाद वैदिक ज्योतिष और धर्मशास्त्र की भी उन्होंने पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हिंदी और कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था। क्लॉडिया का अब भी भारत आना जाना लगा रहता है। वो जब भी आती है तो सिद्धिविनायक और मथुरा वृंदावन के मंदिरों में जरूर जाती है। उनके करीबियों का कहना है कि क्लॉडिया ने औपचारिक तौर पर खुद को हिंदू घोषित नहीं किया है क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर चर्च की नाराजगी छिननी पड़ सकती है। इसके अलावा भी सैकड़ों हस्तियां हैं जिन्होंने सनातन धर्म और परंपराओं से प्रभावित होकर इसे अपनाया है। हमने आपको सिर्फ कुछ ही नाम बताए हैं, जैसे एलन चेस्टर, वेनेजुएला के मशहूर गायक एलन कोल्ट्रेन, अमेरिका जैज पियानिस्ट माइकल क्रेमर, अमेरिका के मशहूर कार्टूनिस्ट और एडिटर एलिजाबेथ गिलबर्ट, इट प्री एंड लव किताब की लेखिका जॉर्ज हैरिसन, मशहूर ब्रिटिश संगीतकार जो बीटल्स ग्रुप के मेंबर थे, उनकी मृत्यु भी कृष्णा महामंत्र के जाप करते हुए हुई। तो बहुत सारे लोग हैं, इवन इस्लाम से हिंदू धर्म में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनवर शेख, ब्रिटिश लेखक इफा सुदेवी, इंडोनेशिया की चीफ जस्टिस। तो लाइन अनलिमिटेड है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।